एक विवाद चल रहा है जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बात भी की है। विवाद कंगना रनौत को लेकर है और जिन्होंने खुद अभी रिसेंटली एक रैली के दौरान हिमाचल में कहा कि पंजाब के युवा जो है ड्रग्स और नशे के आदि हैं। हिमाचल के युवाओं से उन्होंने अपील भी की और कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। इस पर आपने भी बात की, आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इस पर अगर आप क्लैरिफिकेशन दें और आप कहें कि वाकई में कंगना जो कहने की कोशिश कर रही हैं, आपका क्या टेक है इस पर? उस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं कंगना पे आता हूँ। जी कंगना, देखो हमारे पंजाबी कल्चर में ये अच्छी बात नहीं है कि किसी लड़की के खिलाफ या लड़की से लड़ा जाए, बिल्कुल इस कल्चर हमारे कल्चर में नहीं है। मगर क्या कंगना अब हट ही नहीं रही, मुझे लगता है उसको पंजाब से ऐसी कोई खुंदक हो गई है कि वो कभी किसान आंदोलन होता है तो उसमें बोलती है कि यहाँ पर किराए की औरतें आई हुई हैं, कभी वो बोलती है कि ये यहाँ वो किसी लड़की ने उसके थप्पड़ मार दिया था। हाँ, हाँ। तो मैं उसको अच्छा बुरा नहीं कहता कि उसके थप्पड़ मारा, मगर उसने जब बाद में लाइव हुई तो कहती उग्रवाद और आतंकवाद बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने फिर एक ट्वीट मारा कि यार थप्पड़ कोई आतंकवाद उग्रवाद थोड़ी ना होता है, वो अपनी फीलिंग होती है। तो मैं कंगना के खिलाफ नहीं बोल रहा, कंगना की मानसिकता के जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, जरूर बोलूंगा और बोलता रहूंगा जो पंजाब के खिलाफ बोलेंगे, जो बिना सोचे समझे कोई भी आईटी सेल हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ना किसी पार्टी का डर है। मुझे लगता है कि और कंगना को अभी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए क्योंकि वो एमपी है, एक हमारी फ्रेटर्निटी की हमारी कम्युनिटी की लड़की है वो, उसने अच्छा नाम ना भी उसके पंजाबी में बोलते खट्टिया होया हो नाम ना उसका नाम है इतना बड़ा, तो हमारी कम्युनिटी की बेइज्जती भी होती है कि जब आप कोई गैर जिम्मेवाराना जो भी बयान दे देते हो तो हमारी बेइज्जती होती है कि यार इनमें पढ़े लिखे बंदे नहीं है इनमें, मतलब कोई भी, और उस दिन तो मुझे लगता है उसके पास बोलने को कुछ था ही नहीं तो उसने ऐसे ही बोल दिया, कोई बात छिड़े कोई डिस्कशन हो तो आप बोलो, कहाँ नहीं नशा चलता मुझे बताओ आज, कहाँ पर नशा नहीं है, कौन सा प्रदेश है जिसमें नशा नहीं है, कौन सा देश है जिसमें नशा नहीं है, और इन लोगों ने नशे को प्रमोट किया है, मतलब जितना बॉलीवुड ने प्रमोट किया है ना, तो आई थिंक उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको किसी बंदे के खिलाफ बोले, करण जौहर के खिलाफ बोलना वो बोल ली भाई हमने क्या लेना है, मेरे खिलाफ बोलना है बोल ले कोई बात नहीं है ना, मैं उसका अलग तरीके से जवाब दूंगा या मैं माफी मांग लूंगा या कुछ, मुझे लगता है उसको पंजाब के बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा मैंने उसको पर्सनल अटैक किया कि पंजाबी ही बंदे उसको लेके आए थे, जब दिल्ली में एक बार एक कोई पंजाबी बंदा ही था, मैं उसका नाम नहीं रिवील करूं, मैं एक्चुअली इसी पर आ रहा था क्योंकि आपने खुद कहा है कि आपकी कार में वैनिटी में बैठकर एक टाइम ऐसा भी था उस दौर में, हाँ, तो वो आपके साथ उन्होंने अकॉर्ड गड्डी थी उस टाइम, मुझे याद है हम किसी हमारे दोस्त ने उनका एक 60th बर्थडे था, मतलब हमारे दोस्त नहीं हमारे सीनियर हैं बहुत, तो वहां पर जाना था, एक बंदा इसको लेके आया, ये बहुत टाइम पहले की बात है, इतना बड़ा उसका फेस था, उसने मुझे बोला इसको वीडियो में ले लो, मैं कहा यार नहीं वहां पर हमें क्या होता है वीडियो में, आपको भी पता है मीडिया के बंदे हो आप कि हम फेस कट देखते हैं फिर कुड़ी का तो खास करके जो मॉडल होती है तो नहीं तो कैमरा और बढ़ा के पेश करते जब लेंस लगाते हैं, तो मैंने बोला यार मैं नहीं कर सकता, तो उसने बोला कि हम पार्टी में इकट्ठे जाएंगे तेरी दोस्त है ये, तो मेरी दोस्त बना के वो इस पार्टी में लेके गया था, इसमें कोई बुराई नहीं, उसने नशा किया मेरी गाड़ी में, वॉमिटिंग की एक औरत और उसके साथ थी, मैंने उसको थ्री व्हीलर में करवा के फिर दिया था, वो किसी होटल में ठहरी हुई थी या मैरिट उस टाइम होता था, मुझे ये भी पर्सनल होने की मुझे बात नहीं है, मगर मेरा मतलब है कि वो पंजाबी उसको लेके आए, पंजाबियों ने उसको मिलाया आदित्य पंचाली से, वो भी तीसरे दिन की बात है कि आदित्य पंचाली से उन्होंने मिलाया, हाँ जी। मैं उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, मगर उसको पंजाब के बारे में बिना सोचे समझे जिस पंजाब को दुनिया इतना प्यार करती है, हमारे पंजाब अगर पंजाबियों की बात करो तो गुरु तेग बहादुर साहब हैं जो जिनको हिंद की चादर बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जिन्होंने अपना परिवार पूरा जो परिवार है कुर्बान कर दिया सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए नहीं, एक इंसानियत का जो धर्म है उसके लिए, तो हम उस पर चल रहे हैं, उनके ही बच्चे हैं सारे लोग, अगर किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल बोले वो जाके, सारे पंजाब को कैसे आप, मतलब अगर किसी मान लो किसी हिंदू ने मुझे गाली दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू सारे खराब हो गए, सिख ने गाली दी या सिख ने कुछ बुरा कर दिया कोई भी कर सकता है, सिख चोरी करेगा इसका मतलब ये नहीं सारे सिख जो हैं चोर हैं, है ना, एक एक सिख जो है वो कुछ मतलब अलग तरह की बात कर रहा है तो कोई इसका मतलब
तो वो मैं मानसिकता के ऊपर अटैक कर रहा हूँ उसके कि नहीं अटैक नहीं कर रहा, डिफेंसिव हो रहा हूँ, ऑफेंसिव तो नहीं मैं हो रहा, मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि पंजाब का बहुत कंट्रीब्यूशन है और वो तिरंगे की बात करती है, उसको क्या पता तिरंगा क्या होता है। पंजाब के आज भी 3-4-5 लड़के जो है बेचारे रोज तिरंगे में लपेट के आते हैं, जो कारगिल में लड़ रहे हैं, जो लेह लद्दाख में लड़ रहे हैं, उसको उसको क्या एक तिरंगा मतलब डंडे में फंसा के ऊपर खड़ा करने से तिरंगा थोड़ा हो जाता है। तिरंगा तो ये होता है कि आप एक्शन क्या कर रहे हो, आप सेवा कैसे कर रहे हो, तिरंगे तिरंगे की सेवा कैसे कर पा रहे हो, आप देश के लिए कैसे खड़े हो। तो इस मानसिकता के खिलाफ मैं हूँ और मैं बोलता रहूँगा। मुझे लगता है कि देश को ऐसे MP या ऐसे जो सांसद हैं उनका खतरा तो है ही है, उनकी पार्टी को उसका ज़्यादा खतरा है। आप मानते हैं ये चीज़? बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं, उनके पार्टी के कितने लोग हैं जो मतलब इनडायरेक्टली सर आपने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कंगना से खतरा है। ये बीजेपी को होएगा ही ना, अगर मूर्ख कोई भी बंदा होएगा आपके घर में, मेरे घर में अगर मूर्ख होएगा तो कभी भी मरवाएगा। मतलब लोग कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से स्याना दुश्मन अच्छा, स्याना दुश्मन आपको फिर भी बचाएगा। ऐसा मूर्ख जो दोस्त है वो तो कभी भी आपको, और कई लोगों ने बयान दिए हैं उसके खिलाफ अभी कि इसको नहीं बोलना चाहिए, इसके जाति वो है, पर पता नहीं उसको, मुझे लगता है पंजाब से खुंदक है। मैं मेरी बेनती है उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया और अभी उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी जिसको बैन कर दिया गया, बैन तो नहीं कहूंगा, फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई और इस पर भी बहुत विवाद हुआ, पंजाब में भी विवाद हुआ, सिख समुदाय ने इस पर खास नाराजगी जाहिर की अपनी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं ये कहीं कंगना के लिए उनके करियर के लिए प्रॉब्लमैटिक है? नहीं, उसका करियर तो खैर आप क्या है फिल्म लाइन में, तो उसका क्या ही करियर होएगा बेचारी का, वो ऐसे थोड़ा प्रेशर डाल के हो जाए पॉपुलर तो हो ही जाए। अभी तो खैर वैसे ही वो राजनीति में है, उसको राजनीति के तरीके से रहना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से। और जो फिल्म की बात है, लोग ऐसे उसकी बेहुदा स्टेटमेंटों से लोगों को लगता है ना कि बेवकूफ वाली कोई फिल्म बनाएगी, पता नहीं क्या बनाएगी, जिसकी मानसिकता ही ऐसी है तो वो कैसी फिल्म बनाएगी। आई थिंक इसलिए लोग डर रहे हैं। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।